संभल जनपद के समस्त खाता धारकों ने एकत्रित होकर कंपनी बाग में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें आग की रणनीति तय की गई। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष विनोद साथी ने सीधे पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि पल्स कंपनी के खाता धारकों का पैसा मई ब्याज के 14 अगस्त तक नहीं दिया या हमारी संपत्ति जो भारत सरकार की सेवी ने जब्त कर रखी है वह हमें वापस नहीं दी तो हम मोदी सरकार के विरुद्ध हल्ला बोलेंगे। हमारी ये मांग है कि ये गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों के लिए लाइसेंस देती है। पहले रियलिस्ट मेरा खाता कितना रुपया आपका फंसा हुआ है इसमें? इंटरव्यू कम से कम 5 लाख रुपए फंसा हुआ है और बाकी ग्राहकों का सब मिला के लगभग 50 लाख रुपए हुए। जब लाइसेंस देते हैं तो उस टाइम इन लोगों की बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, लाइसेंस दे दिया, पैसे ले देगा, उसके बाद लाइसेंस किसने दिया है? ये 35 साल से चल रही है। नहीं, पैसा कब से फंसा हुआ है? बिल्कुल बंद है, 3 साल से बिल्कुल सील कर दिए, खाते भी सील है। सील करने का कारण क्या रहा? ये सेवी ने सील करे कि ये गलत काम कर रहा है। जब गलत काम कर रहा है तो इन्होंने पहले लाइसेंस देते समय क्यों नहीं चेक करा और सोसाइटी के नाम? अब इसको जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, सेवी को या इस कंपनी को? मानते हैं। ये हमारी PSEL लिमिटेड कंपनी थी जिसको पल्स कंपनी कहते हैं। पल्स कंपनी के जो हमारे मालिक लोग थे उनसे थोड़ी सी अनियमितता हो गई, टैक्स की या उसकी अनियमितता हो गई, तो भारत सरकार ने सारे हमारे पल्स के जो हमारे मतलब चीफ थे उनको जेल में डाल दिया। मैनेजमेंट सारी संपत्ति अपने कब्जे में कर ली सेबी ने। और सब अच्छा, हम लोगों ने कैसे पैसे जमा किए ये हम ही को पता है। जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को, भारत सरकार को और एक लोड़ा एक हमारे रिटायर्ड जज थे लोड़ा जी, उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई और निर्देश दिया कि 6 महीने के अंदर इनका पैसा दे दो। 6 महीने के बाद जब भी टाइम आया देने का तभी उन्होंने आरोप लगा दिया कि सब संपत्ति नहीं बिकी। हमारे तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किए, किसी के कान पर जू नहीं रह गई। तो अब की बार हम लोगों ने पल्स खाता धारक संगठन तैयार किया मोदी जी को बताने के लिए कि मोदी जी 14 अगस्त तक आप हमारा पेमेंट कर दो, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो जो हमारी संपत्ति है वो संपत्ति तुरंत ही दे दो। अब की बार मोदी जी का मुकाबला पल्स खाताधारक संगठन से है, कोई राहुल गांधी या अखिलेश यादव या मायावती से नहीं है, पल्स खाताधारकों से है। अगर पल्स खाताधारक संगठन बिगड़ गया, भाई हमने मांग करी है मोदी जी से कि 4 महीने 14 अगस्त तक आप हमारा पेमेंट दे दो, हमारी संपत्ति 14 अगस्त तक दे दो। अगर 14 अगस्त तक नहीं दी मोदी जी ने तो वो तो 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराएंगे और हम ये संभल के कलेक्ट्रेट से भारत सरकार के खिलाफ पल्स खाताधारक संगठन वो आंदोलन खड़ा करेगा, अब की बार जन आंदोलन खड़ा करेंगे। उसी का हम लोग प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर कि बीजेपी के हर एक आज भी धरना है, गुलाबो देवी जी का धरना था, हमने कहा उससे पहले ट्रेंड हो रहे हैं यहाँ पर और फिर गुलाबो देवी जी चलेंगे। तो अब की बार तो पूरे देश में ये बताना है कि मोदी जी का विकल्प अब की बार पल्स खाता धारक संगठन आ गया और हम लोग 14 अगस्त तक मोदी जी घबरा कर पेमेंट दे देंगे या संपत्ति दे देंगे और नहीं दी तो देखेंगे। अगला धरना हमारा 16 तारीख है, 16 तारीख को राज्य मंत्री है मंजू दिलेर बैजुई की, उनके गेट पर होगा। हम तो कहते हैं मीडिया से कि मीडिया भी आए, हमारे देश का स्तंभ है। आज देश की वो हालत कर रखी है हमारी राजनीति ने कि इसमें अगर मीडिया भी हमारे साथ नहीं जुड़ी, अगर ये लोग 10 साल और राज कर लिया, चाहे मोदी जी हों, योगी जी हों या कोई भी हो, तो निश्चित रूप से हमारी समाज एक मरने के कगार पर आ जाएगा। तो मीडिया, जनता और मैं जहाँ जाता आपका ये संदेश जाएगा, वहाँ तक की जनता से भी ये कहता हूँ कि पल्स खाताधारक संगठन के बैनर के तले आओ। ये नहीं है कि हम लोगों का बैनर है, खाताधारक एजेंटी शामिल है, सारी जनता शामिल है इसमें। एक तरफ तो प्रदेश सरकार कह रही है कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, दूसरी तरफ आप लोगों का पैसा कुछ प्राइवेट कंपनियों पे रुक गया है या फांस लिया गया है, तो ये इसमें क्या कहना चाहेंगे? एक चीज बताइएगा, हम कहते हैं जब सुप्रीम नहीं, वो तो अब सारी कंपनी खत्म कर, सारी संपत्ति सेबी ने भारत सरकार ने जब्त कर दी, सही है नहीं है साहब? अच्छा, हम यही तो कह रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हो भाई? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा, उसके बाद तमाम आपसे आदेश कर रहे हैं कि आप लोग तो बैंकों से तो कह रहे हैं कि बैंक खरीद ले संपत्ति को, भाई क्यों कह रहे हो बैंकों से? हमारी संपत्ति हमें टुकड़ों में दे दो, हम चाहे उसमें महल बनाए या झोंपड़ी बनाए या उसे बेचें या जो भी करें। तो ये एक लड़ाई है साहब, सिस्टम के विरुद्ध हमारी ये एक लड़ाई है।
ये लड़ाई मात्र मोदी जी के लिए नहीं है। अगर मोदी जी को भी हम हरा देंगे 14 अगस्त को, तो अब की बार पल्स खाता धारक के संगठन के ये जो हमारे तमाम जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको, इनको ऐसा लीडर बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी का विकल्प भी तो अब देश को चाहिए। ऐसा ना, ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहे है, मैं जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये रखूंगी कि भारत सरकार के पास वो भेजें, तुम्हारा तो बहुत मामला वैसा मजबूत करूंगी मैं, भारत सरकार के पास भेजें, जो भी इनका है वो हमारे माननीय मोदी जी तुरंत ही इनको देंगे।